तो कुछ सवाल मैं ऑलरेडी पूछ चुका था, लेकिन अब सारे माइक्स जो हैं सामने आ गए हैं. सबसे पहला सवाल जो हम आपसे पूछ रहे थे रितेश, ये रोल आपने क्यों चूज किया? नहीं, आई थिंक हम लोग एज एक्टर्स सबसे पहले रोल चूज नहीं करते, फिल्में चूज़ करते हैं. क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए, और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए. बैंजो का कुछ ऐसे हुआ, जब मुझे कहानी सुनाई गई थी, रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है. इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन जब शुरुआत उसकी की थी, तब उसके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर रवि थे, को प्रोड्यूसर भी थे. बालक पालक हम लोगों ने इकट्ठा प्रोड्यूस और रवि जी ने डायरेक्ट की थी. तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था. उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए. दो तीन स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने सोची थी, पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो. एंड आई एम ग्लैड कि उसके 3-4 साल बाद यू नो एक्टर डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म. आई वॉज ग्लैड दैट आफ्टर सो मेनी ईयर्स बोथ ऑफ देम थॉट ऑफ मी, एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड नाउ बैंजो का आज पहला गाना जो आप लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट डू यू लाइक ट्राई एंड हियर इन अ सॉन्ग के यस ये गाना जो है इट विल वर्क फॉर द फिल्म? When you start enjoying, and especially the lyrics also goes hand in hand, and you start tapping your feet, I mean, you just start enjoying basically any music you hear, any tune, it has to hit the pulse. So that's how you start enjoying any music we hear till now, I'm sure. And banjo itself, when you think of banjo and you can think of Ganpati songs, they go very hand in hand. You know, the song, the name, it goes with banjo means Ganpati, right. Or it's you can hear it in Navratra. So it's about it's about the music of a banjo music. It's a musical film. And banjo player, it's about the banjo players who deal with the people, yeah, in this today's world. So I would say that Ganpati song has to be released, and unfortunately we are coming before after Ganpati. काफ़ी हम तीनों एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्ट्रीट म्यूजिक है इंडिया का, उसका अगर फ्यूजन हो गया और तो इंटरनेशनली को ज़्यादा सुना जाएगा. और आई एम श्योर कि विशाल शेखर जिस तरीके से जो यहाँ का म्यूज़िक है, अपनी मिट्टी का जो एक म्यूज़िक है, उसको जहाँ जिस तरीके से वो एक वेस्टर्न बीच में डालते हैं, गणपति में जो उन्होंने जो यूज़ किया, ये सब जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसके साथ उन्हें जो इंटरनेशनल डिफरेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका जो फ्यूजन है, आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी कलरफुल एंड इट्स सेलिब्रेशन है बेसिकली. एंड फॉर मी ऑल्सो इज सेलिब्रेशन, बिकॉज पहली हिंदी फिल्म है, पहले हिंदी फिल्म का पहला गाना है, और पहला गाना वो भी गणपति बप्पा पे. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी, आई फेल इन लव विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर. पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूज़िक नहीं था, तो हमें पता था कि ये 5 गाने आएंगे. और अगर पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो, एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स. और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो, मैं हमेशा कहता हूँ, विशाल और शेखर है, जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है. इस फिल्म की असली बैकबोन वो है. एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक. उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए, हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक रहा है उनका. दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट ईयर. उनको म्यूज़िक की समझ उनकी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है उसी के वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रवि ज़्यादा, विशाल और शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन. जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में. बट यू नो आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है. गणपति इज़ एन इंडियन गॉड, और उसका पूरा जो साउंड है, बम्बई साउंड है, मुंबई का साउंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रीट इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है. बट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ फ्यूजन, कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए,
उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है. अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है. एंड दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू अचीव. वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए. जितने लोगों ने गाना देखा है सुना है और ट्विटर पे जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है. बट इट्स टू अर्ली एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वली वेल. उन्होंने राखी भेजी है और घर में जितने भी बच्चे हैं कजन्स हैं वो सब आरती छोटी सी सेरेमनी होती है. सो आई थिंक घर बहुत ही माहौल होता है एंड वी सेलिब्रेट It's like every other home. Strategy. ये जगह नरगिस के लिए रखी है हमने. वो मुझे लगता है हर एक्टर्स के डेट्स होते हैं अलॉटेड एंड शी विल जॉइन अस सून. Unfortunately, she's not here for the song, but वो ट्वीट कर रही है उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी और ये अचानक ये प्रोग्राम बन चुका है. I was close by, so I could come and manage this. पर मुझे लगता है ये पूरी टीम इकट्ठा प्रमोट करेगी. बैंजो इज कम्प्लीट विथ रवि सर, कृषिका जी, नरगिस, विशाल शेखर, माई सेल्फ एंड एवरी वन. सो इट्स कोई एक लीड नहीं करता, एज अ टीम वी गो टुगेदर. Ritesh, of course you're playing a banjo player in this. Was there some interaction with the real-life street musician? Yes, yes. To get into the character? No, of course. I and also for the fact that now you've played this character, is there some sort of keen interest in their music or when they pass by through the streets of Mumbai? Does it kind of get your attention? No, I'll answer the second part. I think it's not now. I think banjo music and banjo parties, whenever they pass next to your car or next to your house or next to your street, it always catches your attention. क्योंकि उनकी खासियत यही है कि वो इतना mass music है और उतने उनके beats इतने strong होते हैं कि वो आपका attention अपनी ओर खींच ही लेते हैं. उनकी वही खासियत है. तो इस फिल्म की वजह से मेरा attention उनके पास जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी वजह से इस फिल्म की ओर हम सब का attention गया. हम लोगों ने ये सोचा कि इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए और ये फिल्म बन रही है. आई थिंक I have answered what was the first. And also the interaction you probably. Yes, and I think जब मैंने पहली बार I mean जब हम लोगों ने final draft सुना है इस फिल्म का 6-7 drafts के बाद और हम लोग okay let's go, तो रवि जी gifted me a banjo. He said this is for you and now let's start. So वो banjo मैंने रखा और I think that will be like my prized possession that my director gifted me a banjo when we just froze the script. I think बहुत सारे गाने हैं जो हर फेस्टिवल में बजते हैं और हर फेस्टिवल के लिए, क्योंकि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इसलिए उन पर गाने और भी बनते हैं, इसलिए पॉपुलर होते हैं. एंड आई थिंक आई होप के अलॉन्ग विथ ऑल द अदर ग्रेट सॉन्ग्स, चाहे वो अग्निपथ का हो, चाहे हम लोगों ने डिस्कस किया बाजीराव मस्तानी का हो, और आई जस्ट होप दैट इस बार लोग ये भी गाना पसंद कर इसे भी बजाएं. एक्चुअली कहानी की जरूरत थी कि आई थिंक फिल्म में 6 गाने हैं और 6-6 गाने को बोलता हूँ इट्स पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले, वो स्टोरी है. हर गाने में एक सीन आगे जाता है, हर गाना एक सीन है. ऐसे स्पेशल कोई ऐसे गाने नहीं कि जो फिल्म में गाने चाहिए इसलिए डाले हैं, बिकॉज फिल्म इज़ अबाउट म्यूज़िक. सो इसमें जो भी गाने हैं वो मेरे लिए सीन्स हैं.
तो ये फिल्म का पहला सीन है जहाँ पे गणपति सॉन्ग है, फॉर मी इज अ सीन, वहाँ काफ़ी सारी घटनाएं घट रही है उस गाने में। आप जो वीडियो देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा वहाँ कोई एक लड़का है जो रिकॉर्ड कर रहा है इस गाने को, आई थिंक उस रिकॉर्डिंग से पूरी फिल्म की स्टोरी बनती है। तो फॉर मी इज अ स्क्रीन प्ले। From some Indian has won, and it, we were waiting from so long ki like anybody from our Indian team should win. So I think we are very happy, and big congratulations to her. I think it's a proud moment, that's why we celebrate with the Ganpati song. No, of course. Kya hai ki it's a moment of pride for the entire country. और ये मुझे लगता है शायद पहली बार रेसलिंग में एक महिला को, इंडियन महिला को ये मेडल मिला है। एंड इसकी शुरुआत शायद केडी जाधव साहब से हुई थी 1952 में, जब पहली बार इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल मिला था किसी इंडियन को, ब्रॉन्ज मेडल। और आज फर्स्ट फीमेल रेसलर जिनको मेडल मिला, आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। और जिस आई थिंक वी ऑल शुड सेलिब्रेट दिस सक्सेस, एंड इफ इट्स अप टू मी, आज उन्होंने मेडल जीता है, आज हमारा गाना लॉन्च हुआ है, फ्रॉम आवर टीम आई लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू हर। नहीं, आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग द बेस्ट, और कोई इसलिए नहीं जाता वहाँ के उन्हें हारना पसंद है या हारने का शौक है, सब लोग मेहनत करके जाते हैं ताकि वहाँ पर जीत सके और अपने देश का सम्मान और गौरव बढ़ा सके। और मुझे लगता है कि इवन सिंधु, आई थिंक she's played really well, and I wish her all the best. Kar lijiyega, thank you so much. thank you Ritesh, thank you Rishika, thank you Ravi, and thanks to the members of the press for coming here. Thank you. I think we are now going to go to the radio bit.